नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं ऋतिक और आज हम आपको लेके आ गए हैं एक ऐसी जगह जो कि जाट राजाओं की राजधानी कहा जाता है जिसको। जी हां दोस्तों, हम हैं राजस्थान के डीग ज़िले में और जहां पर अभी हम खड़े हैं वो है डीग महल, जिसे डीग महल बोलते हैं। यह राजा सूरजमल सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बता दूँ आपको, यह सन 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी खास बात एक ये भी है कि इसमें लगभग 2000 से भी ज़्यादा फाउंटेंस बने हुए हैं, फव्वारे बने हुए हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये सभी फव्वारे बने हुए हैं जो कि किसी बिजली उपकरण ना ही किसी मोटर से चलते हैं। इन ये अलग ही पानी के प्रेशर से इनको चलाया जाता है और ये कभी कभी चलते हैं, जैसे अगस्त के महीने में इनको चलाया जाता है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती आपको खूबसूरती से रूबरू करवाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं महल की खूबसूरती। दोस्तों ये जो देख रहे हैं अभी, इसको सावन भवन बोलते हैं। और यह बता दूं आपको, ये सामने से देखने में एक मंजिला लगता है और पीछे से आप इसको देखेंगे तो यह 3 मंजिल दिखाई देगा। 1 मंजिल इसका पानी में डूबा रहता है और 1 मंजिल ऊपर रहता है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं गोपाल सागर। इसमें 2 जलाशय हैं, एक सामने पीछे, उसको गोपाल सागर बोलते हैं और पीछे जो है उसको रूप सागर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऐसे कई छोटे बड़े भवन बने हुए हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जो कि हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे और बताएंगे इसके बारे में। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको गोपाल भवन बोलते हैं। ये सामने से देखने पे आपको 2 मंजिला लगेगा, लेकिन अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो यह 4 मंजिला है। देख सकते हैं आप, इसकी 1 मंजिल जो है पानी में डूबी रहती है और देखने में ऊपर से देखने में आपको 3 मंजिला लगेगा। देख सकते हैं आप, यह गोपाल सागर से बिल्कुल सटी हुई है, इसको जल महल भी बोलते हैं। और अगर सामने आप देखेंगे इधर, तो वो राजा साहब का, महाराज का फलों का बागीचा है। इधर गोपाल भवन के सामने ही आप देखेंगे तो ये सावन भवन बना हुआ है। यहाँ सावन के महीने में महाराज आकर बैठते थे और गर्मी के सीज़न में इसका आनंद लेते थे, क्योंकि जब यहाँ पानी भर जाता था इस जलाशय में तो ये पत्थर जो है बहुत ही ठंडक देता था, तो यहाँ पर बरसात का मज़ा लेते थे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने का गीज़र बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये एक टैंक बना हुआ है और ये सामने ये भट्टी बनाई हुई है जिसमें लकड़ी कोयला से इसको भर के ये जलाया जाता था। और इससे जो वाष्प, जो भाप निकलती थी जिससे पानी गर्म होता था, जो यूज में लिया जाता था। और दोस्तों बता दूं आपको इस महल की नक्काशी के बारे में, तो बहुत ही उम्दा इसकी नक्काशी बनाई गई है। यह राजस्थान शैली में इसको बनाया गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, इसको ये नूर जहाँ का झूला हुआ होता था पहले, जो कि महाराज जवाहर सिंह जी ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उसको वहाँ से उखाड़ कर लाए और छोटे छोटे पीसेस में उसको लेके आए थे और यहाँ पर इसको असेंबल किया गया है। और ये झूला और एक चीज़ और है, जो पूरा मदरसा वो वहाँ से लेकर आए थे, उखाड़ कर लेके आए थे, उसको पीसेस में लेके आए थे, उस पर नंबर डाल दिए गए थे, उसी नंबर के हिसाब से यहाँ पर उसको असेंबल किया है, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। भाषा में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैंने बताया था आपको इस महल में कई सारे भवन हैं, तो ये इसको भादो भवन बोलते हैं। और महाराज यहाँ भादो में आकर यहाँ आनंद लिया करते थे जब ये सामने फव्वारे चलते थे। इसमें कई तरीके के रंग बिरंगे पानियों से इसको चलाया जाता था। और भी हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे ऐसे कई सारे भवन हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।
दिखाएंगे आपको। दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं फव्वारे के सामने, इसको सूरज महल कहा जाता है, जो कि एक पूरा का पूरा जो महाराज दिल्ली से जीत कर लाए थे, जो मदरसा है उसको वहाँ से पीसेस बाई पीसेस उसको उखाड़ के लेके आए थे और उसी तरीके से इसको असेंबल किया गया है। इसको आपको दिखाएंगे। ये जो जियो आप देख रहे हैं इनको टुकड़ों में लेके आए थे, देख सकते हैं आप, और इसको कीलों से लॉक किया गया है। आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उसी से इसको असेंबल किया गया है, जो कि पहले वो मदरसा हुआ करता था, अब इसको यहाँ सूरज भवन का नाम दिया गया है। इसकी चित्रकारी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, संगमरमर से बना हुआ है ये। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, हम इसके अंदर आ चुके हैं सूरज भवन के, और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से इसको बनाया गया है। देखिए बिल्कुल इको आवाज़ कर रही होगी, ऊपर देख सकते हैं कितनी अच्छी गुम्बद बनी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पुल बना हुआ। ये आप देख सकते हैं क्या चित्रकारी इस पर की गई है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे एक पिंजरा टाइप का बना हुआ है। आपको बता दूं कि महाराज के वीरता के जो किस्से हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और ऐसे ही उनके शौक थे। ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं, इसमें उनका शेर रहता था। जो पीछे एक गेट लगा हुआ है वो उसको पत्थर से बंद कर दिया जाता था, और यहाँ से शेर पूरी चारों तरफ से दिखाई देता था। सामने से आप आएंगे तो सीधा यहाँ पर दिखाई देता था, जिससे लोग इसे देखकर भयभीत रहते थे। दोस्तों हम जिन फाउंटेन्स की बात कर रहे थे, जिन फव्वारों की बात कर रहे थे, उनको चलाया कैसे जाता है, आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरा टैंक बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक, जिसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। अब इसको कैसे जाता था, पहले ज़माने में इतनी सुविधाएँ थी नहीं, तो इनको इनके चारों कोनों पर 4 कुएं बने हुए हैं। दो कुओं का स्रोत रूप सागर से है, और 2 का गोपाल सागर से है, जो कि पहले रेंट सिस्टम से इसको भरा जाता था, जो जानवरों के द्वारा इसको चलाया जाता था। और जब वो उसमें बाल्टियां लगी होती थी, जब वो जानवर चलते तो वो बाल्टियां ऊपर आकर टैंक में गिरती थी, पानी उसका पानी जो टैंक में गिरता था उसको भरने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता था, तब इनको भरा जाता था। और सूती कपड़ों को फाड़ करके उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते थे, जिनमें रंग भरे जाते थे, और 15 से 20 लोग इस टैंक में उतारे जाते थे। उस पोटलियों को धीरे धीरे मसलते थे, जिनसे रंग बिरंगे पानी के फव्वारे निकलते थे, जिनका सभी लोग लुत्फ़ लेते थे, आनंद उठाते थे। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको किशन भवन कहते हैं। 1921 से जितने भी महाराज हुए हैं उनका सबका ये कॉन्फ्रेंस हॉल रहा है। सब लोग यहाँ बैठ के मीटिंग किया करते थे अपने खास लोगों के साथ में, और इसको दीवाने खास भी बोल सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पत्थर का पूरा बना हुआ है, ये गद्दी बनी हुई है, इस पर बैठकर महाराज आम जनता की समस्याओं को सुना करते थे, इसको दीवाने आम भी कह सकते। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, इसको कमल बुर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसको स्टोन में ही बनाया गया है, और ऐसे बुर्ज महल में आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको पुराना महल के नाम से जाना जाता है, और जब राजा अपनी शादी करके रानियों को लाते थे तो इसी पुराने महल में ही कुछ दिनों तक उनको रखा जाता था, और उसके बाद में जो है उनको नए महल में ले जाया जाता था। और देख सकते हैं आप सामने,
दोस्तों आपको बता दूं कि महल का यह हिस्सा काफ़ी ज़्यादा पुराना होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ लोगों का आना जाना भी बिल्कुल बंद है। दोस्तों यहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, यह महल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसको 12 दरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ देख सकते हैं आप छोटे बड़े कुल मिलाकर 350 फाउंटेन्स बनाए गए हैं। जब महाराज यहाँ सावन भादों में यहाँ आकर बैठा करते थे तब इन फाउंटेन्स को चलाया जाता था और इनको जब इनमें पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था तो यहाँ से जो रंग बिरंगे कलर्स के जो फव्वारे निकलते थे तो उनसे एक बॉल क्रिएट होती थी जिससे महाराज के साथ अंदर कौन बैठा है वो समझ में नहीं आता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस महल में 2 जलाशय हैं, एक है गोपाल सागर और एक है रूप सागर। जहां हम अभी खड़े हैं इसको रूप सागर बोला जाता है और वो सामने आप दीवार देख रहे हैं, यह डीग के किले की दीवार दिख रही है। अगर किसी दोस्त ने हमारी टीक के किले की वीडियो नहीं देखी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। दोस्तों ये जो आप हमारे सामने देख रहे होंगे इसको नंद भवन का नाम दिया गया है जो कि महाराज का पहले अखाड़ा हुआ करता था और इनमें जो आप जो खिड़की देख रहे हैं कांच की लगी हुई हैं, पहले इनमें पर्दे लग हुआ करते थे और आप ये सामने देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल है, जब महाराज अखाड़ा करके आते थे तो इसी में नहाया करते थे और पूल के नीचे भाग में आप देखेंगे तो यहाँ एक पाइप लगाया गया है जिससे पूल का जो गंदा पानी है वो तो निकाला जा सके। दोस्तों हमने डीग महल का पूरा रिव्यू आपको करवाया। अगर आपने हमारे चैनल प्राचीन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।